अस्सलाम वालेकुम शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। सरकारी टीवी के मेज़बान डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर से आखिरकार मुआफ़ी मांग ली है। डॉक्टर नुमान कहते हैं, प्रोग्राम के दौरान ऑन एयर जो कुछ भी मुझसे हुआ उस पर जितना रद्द अमल आता उतना ही कम था और वो बिल्कुल जायज़ रद्द अमल आया था। वजह जो कोई भी थी, मुझे ऑन एयर ये सब करने का हक नहीं था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। डॉक्टर नुमान ने कहा कि मैं अपनी गलती पर एक बार नहीं हजारों बार मुआफ़ी मांगता हूं। शुएब अख्तर स्टार हैं, मुझे उनकी क्रिकेट से मोहब्बत है। डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा, प्रोग्राम के बाद मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुमसे ये तवक्का नहीं थी, तुमने गलती की। उस वक्त शुएब अख्तर एक स्टार और मैं सिर्फ एक मेज़बान था, मुझे मामला संभालना चाहिए था। डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जिसका मैं खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बल्कि भुगत भी रहा हूँ। आपको ये बात बताते चले, अभी चंद रोज कबल ही डॉक्टर नुमान नियाज ने शुएब अख्तर को ऑन एयर ही प्रोग्राम के दरमियान शो छोड़ जाने का कह दिया था और ये बात तहजीबी बाकायदा तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों की मौजूदगी में हुई थी। और इस बात तहजीबी के बाद शुएब अख्तर पहले तो खामोश हो गए, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम में ब्रेक आई उन्होंने पीटीवी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया था। इस वाकये के बाद पाकिस्तान में शुएब अख्तर के हक में पोस्टें की गईं। लोगों ने डॉक्टर नुमान नियाज के खिलाफ शदीद रद्द अमल दिया। ज़िले तलातो नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इसके बाद पीटीवी की जानिब से इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई थी और दोनों मेजबान को भी और मेहमान को भी दोनों को ऑफ एयर कर दिया गया था। हालांकि शुएब अख्तर साहब तो पहले इस्तीफा दे चुके हुए थे। हम अब डॉक्टर नुमान नियाज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने शुएब अख्तर से मुआफ़ी मांग ली है। यकीनन शुएब अख्तर भी नरम दिल के मालिक हैं और अच्छे इंसान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों की सुलह जल्द हो जाएगी। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। यूँ ही आपको और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।